राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत की लोक कथाएं। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये लोक कथा, चिड़िया की नसीहत। ये लोक कथा क्या होती है और कहानी और लोक कथा में क्या अंतर होता है दोस्तों, जानते हो? अरे भाई, लोक कथा भी कहानी होती है, लेकिन इसकी विशेषता ये होती है कि ये गुजरते समय के साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है। जैसे आज मैंने तुम्हें कहानी सुनाई, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अपने बच्चों और पोते पोतियों को सुनाओगे। इस तरह ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती जाती है। ये सीधी सादी भाषा में सरल कहानियां होती हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, देवता दानव परियों को भी इनमें सम्मिलित किया जाता है। तो आज हम तुम्हें एक नन्ही चिड़िया की कहानी सुनाते हैं। वो चिड़िया जो अपनी चतुराई से चिड़ी मार के जाल से बचकर निकल जाती है। एक चिड़ी मार ने बड़ी चतुराई से एक दिन फंदा लगाकर एक चिड़िया पकड़ी। फंस गई चिड़िया। कितने दिनों से जाल डाल रहा था, आज कहीं जाकर एक चिड़िया मिली। मुझे छोड़ दो, मुझे से छोटी चिड़िया से भला तुम्हारा क्या फायदा होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी तीन उपयोगी नसीहतें दूंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आती रहेंगी। हाँ, उपयोगी नसीहतें? क्या करूं, ये चिड़िया मुझे नसीहत देने के बहाने उड़ तो ना जाएगी। ना छोड़ू तो क्या पता कौन सी उपयोगी बातें पता ना चलेंगी। सोच लो, सोच लो। अब चिड़िया थी बड़ी समझदार। चिड़ी मार की आंखों में अविश्वास की भावना देखकर चिड़िया ने चिड़ी मार को थोड़ा लालच दिया। देखो, पहली नसीहत तो मैं तुम्हारे हाथ पर बैठे बैठे ही दे दूंगी। अच्छा, और क्या? और दूसरी नसीहत उस वक्त दूंगी जब हाथ पर से उड़कर तुम्हारे सिर पर बैठूंगी। और रही बात तीसरी नसीहत की, वो नसीहत तो ऐसी होगी कि तुम खुशी के मारे फूले ना समाओगे। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। और इन तीनों नसीहतों से तुमको बड़ा लाभ पहुंचेगा और तुम्हारी तकदीर खुल जाएगी। अरे वाह, लाभ मिलेगा, तकदीर खुल जाएगी। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब चिड़ी मार सचमुच असमंजस में पड़ गया। उसे इस बात की आशंका थी कि कहीं चिड़िया उसे धोखा देकर उड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन अपने लोभी स्वभाव के कारण
उसके मन में ये बात भी जन्म लेने लगी कि कहीं चिड़िया की नसीहतें सचमुच उसके लिए फायदेमंद साबित हो गईं तो। इस दुविधा की स्थिति में चिड़ीमार ने फंदा ढीला कर दिया और जैसे ही चिड़ीमार ने फंदा ढीला किया, चिड़िया फुदक कर उड़ती हुई चिड़ीमार के हाथ पर जा बैठी। और मेरे लिए नसीहत? तो सुनो चिड़ीमार, मेरी पहली नसीहत ये है कि बीती हुई बात का पछतावा कभी मत करो। बस ये नसीहत? अच्छा ठीक है ठीक है। अब मैं तुम्हारे सिर पर बैठूंगी। ए चिड़ीमार, अब सुनो मेरी दूसरी नसीहत। ठीक है। कभी भी असंभव बात का विश्वास मत करो, चाहे उसे कितने ही बड़े आदमी ने क्यों ना कहा हो। और ना ही कभी गुजरी हुई खुशी के लिए अफसोस करो। ये नसीहत? तीसरी नसीहत देने से पहले मैं तुम्हें एक भेद बताना चाहती हूँ। क्या? हाँ, और वो ये है कि मेरे पेट में 10 तोले वजन का एक मोती है। अच्छा? हाँ, ये ऐसा मोती है कि सारे संसार में मिलना दुर्लभ है। अच्छा अच्छा, ये मोती तुम्हें धनवान बना देता, मगर अफसोस है कि तुमने मुझे आजाद करके इसे खो दिया। ये मैंने क्या कर दिया? शायद ये कीमती मोती तुम्हारे भाग्य में नहीं था, इसीलिए तो तुमने मुझे फंदा खोलकर मुक्ति दे दी। अरे ये मैंने क्या कर डाला? एक मौका मिला था अमीर बनने का, वो भी गवा डाला। अरे अब मैं क्या करूँ? अरे ये मैंने क्या कर दिया? हाथ आई सोने की चिड़िया को मैंने यूं ही जाने दिया। अरे चिड़िया, मैंने तो तेरी मासूमियत देखकर तुझे मुक्ति दी थी, परंतु तू तो बहुत चतुर निकली, तूने तो मेरे विश्वास को ही तोड़ दिया। ए चिड़ीमार, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? मैंने पहली नसीहत में कहा था ना कि बीती हुई बात का पछतावा मत करना। या तो तुमने इस नसीहत को समझा नहीं, या तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अरे 10 तोले का मोती, मेरा 10 तोले का मोती मेरे हाथ से निकल गया। अरे जो चीज हाथ से निकल गई, उसके लिए रोने से क्या फायदा? अरे मैंने अपनी दूसरी नसीहत में तुमसे कहा था ना कि असंभव बात पर कभी भी विश्वास मत करना, नहीं तो दुख पाओगे। मतलब? अरे मूर्ख चिड़ीमार, जरा सोच कर तो देखो, मेरे सारे शरीर का वजन 4 तोले भी नहीं है, फिर 10 तोले का मोती मेरे पेट में कैसे आ सकता है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो चिड़िया बहन, अब अपनी तीसरी नसीहत भी दे दो। मैं नहीं दूंगी। अरे दे दो ना मेरी प्यारी चिड़िया बहन, दे दो ना। तुमने उन दोनों नसीहतों पर कौन सा अमल किया जो मैं तुम्हें तीसरी नसीहत दूं? तुम जैसे कुपात्र को अब मैं कोई उपदेश नहीं देना चाहती। अरे ना ना ना, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो चिड़िया रानी, ऐसा ना करो। नहीं, मैं तो चली कुछ समझे,
जीवन जीने के लिए बल से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। अरे अरे चिड़िया रानी, तीसरी नसीहत तो देती जाओ। अरे अरे चिड़िया रानी, अरे चिड़िया बहन। चिड़िया तो फुर से जंगल की ओर उड़ गई। चिड़ी मार जी खड़े खड़े चिड़िया को पुकारते रह गए। जीवन जीने के लिए बल से अधिक बुद्धि चाहिए। पता नहीं चिड़ी मार को चिड़िया की ये नसीहत समझ में आई या नहीं, पर चिड़िया तो अपनी बुद्धि के कारण उसके जाल से बच ही गई, है ना? चिड़िया की नसीहत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन एवं रूपांतर डॉक्टर कामिनी भटनागर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, कीमती आनंद और ममता मलकानी, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे, ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।